बात करें विकास को लेकर, तो लगभग 4.5 साल हो चुके हैं अभी तक। आपके वार्ड में क्या क्या काम हुआ है? हमारे वार्ड में 7 नीचे से काम चल रहा है जी। 7 नीचे में नली गली फेबर ब्लॉक में क्या किसी से रैया का काम हुआ है जी। दो काम अभी तक हुआ है। उसके बाद नल जल का काम हो रहा है। नल जल तो PG का है जी, तो उसका काम लगभग 90% हो चुका है। 90% काम हो चुका है। हो चुका है, सब काम हो, थोड़ा बाकी है 10-15 दिन के अंदर में। एक अनुमान मैंने तो लगभग कितना प्रतिशत अभी काम आपके वार्ड में बचा हुआ है? अभी हमारे वार्ड में कम से कम 60% काम बचा हुआ है। अभी 60% काम बचा हुआ है, इतना विलम्ब हो रहा है, कारण क्या है? कारण है कि जैसे हम लोग योजना बनाए, हम लोग का योजना लेट से बना। चयनित आपको वार्ड? चयनित हमारा वार्ड लास्ट में होगा। लास्ट में हुआ तो हम लोग को काम करने में हल्का थोड़ा दिक्कत हो रहा था, लेकिन बाद में ठीक हो गया और 2 काम हम करा चुके हैं जी। काम के लिए फिर एक नया योजना है करने के लिए, देखिए क्या होता है। बात करें अभी बिहार की सबसे बड़ी समस्या जो बन के सामने आई है वो राशन है। राशन कार्ड में की क्या स्थिति है आपके बारे में? राशन कार्ड में अभी कुछ आदमी अभी भी बाकी हैं जी। और राशन कार्ड जो अभी जीविका के माध्यम से सुनता हूँ बना हुआ है, उसमें घर एक घर पीछे 1 आदमी 2 आदमी का नाम है, परिवार बड़ा बड़ा है, लेकिन उसमें नाम सही नहीं चढ़ा है। राशन कार्ड के जो बनने के समय में आप लोगों से के, जो आप लोगों के द्वारा ना हो के जीविका दीदी के द्वारा हुआ था ये सर्वे, क्या कहना है इसलिए सर? जीविका दीदी के द्वारा सर्वे हुआ था, जिससे मान लीजिए कि हमारा राशन कार्ड परिवार का नहीं, हम बड़ा परिवार है, 14-15 परिवार है, हमारा राशन कार्ड अभी तक नहीं है जी। इसी माध्यम से जीविका दीदी से 1-2 आदमी का नाम चढ़ा है और कुछ आदमी अभी भी वंचित हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। यानी कि ये सरकार का जो फैसला था आपके अनुसार सही नहीं? नहीं, हमारे अनुसार सही नहीं है। हमारे अनुसार अगर सही रहता तो हर एक परिवार में हर एक आदमी का नाम होना चाहिए था जी। एक आदमी का हर एक कार्ड पर 1 आदमी या 2 आदमी, परिवार है 10 और नाम है 2। जो उचित परिवार है उनके सबका नाम होना चाहिए, सब होना चाहिए था, लेकिन उसमें वो है नहीं। आवास कितने गरीब जनता को आप दिला चुके हैं अपने वार्ड में? अभी तो आवास के लिए हमारे सीजन में मतलब चेठी हुआ है, जो प्रतीक्षा सूची है प्रधानमंत्री का जी। नाम गया है गरीब गरीब आदमी का जी। आएगा तो मिलेगा। सुनने में आया था कि बहुत से जगह से ये बात सामने आई है कि आवास सहायक द्वारा पैसे मांगने की भी बात सामने आई। हमारे वार्ड में ऐसी बात नहीं। आपके वार्ड में ऐसी बात नहीं होगी, हम नहीं समझ नहीं जानते हैं। हमारे वार्ड में ऐसी कोई बात नहीं। राशन जो सरकार, जो प्रवासी मजदूर बाहर से आए थे, सरकार द्वारा फ्री में अनाज देने का जो प्रावधान था प्रवासी मजदूर को, आपको लगभग राशन मिला था फ्री में, 5-5 किलो 1 आदमी पर मिला था प्रवासी को, और जो गांव पर थे उसको भी मिला, उसको 2 बार मिला था। कितने आपके शौचालय कितने बने हैं आपके वार्ड में? शौचालय तो लगभग 85-90 होंगे लगभग, सबके परिवार में लगभग हैं, हर एक घर में, एक घर में शौचालय है, सबको लगभग मैंने अनुदान भी मिल चुका है, सबको भुगतान हो चुका है, सबको हो चुका है लगभग। सरकार से क्या आग्रह करेंगे? तमाम प्रशासनिक अधिकारी आपको देख रहे हैं, विकास को लेकर सरकार से क्या आग्रह करेंगे? विकास हमारे लिए सरकार अच्छी है जी, और विकास हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अभी तो विकास हो ही रहा है, कुछ काम हमारे गाँव में बाकी है जो चल रहा है सुचारू रूप से, हमारे लिए सरकार ठीक है। अपना पूरा परिचय बता दीजिए। हमारा नाम संजीव ठाकुर है जी, ग्राम पशुगौरा, जिला भोजपुर। हमारी माता जी वार्ड है, माता जी का नाम है कमला देवी। वार्ड नंबर 4। आप प्रतिनिधि? हाँ, वो प्रतिनिधि है, मैं अपना काम देख रेख मैं ही करता हूँ। धन्यवाद।